तो कमल लेके आया हुआ है ट्रैक्टर। देखो मैं बाल भी लेता हूँ। क्या कर लेता है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी लगभग सुबह की 9 बज गई है और सुबह सुबह से ही बारिश होने लग गई है। ये देखो, ये छींटे आ रहे हैं ये बारिश के। आएंगे कैसे? अंदर घुसो, चलो अरे अंदर जा बेटा। और गुड मॉर्निंग बोला ही नहीं आप दोनों ने। अरे इसमें व्लॉग में गुड मॉर्निंग गाइस, आप तो दिखे होंगे गुड मॉर्निंग गाइस। और हाँ गाइस, कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि बिट्टू तनु स्कूल नहीं जाते हैं क्या? हो सकता है ऐसे सब्सक्राइबर हो जो न्यू आए होंगे, या ऐसे जो कभी कभी व्लॉग देखते हैं, वरना रेगुलर जो व्लॉग देखते हैं उनको तो सब कुछ पता ही है बिट्टू तनु के बारे में। आप लोग, आप दोनों स्कूल क्यों नहीं जाते हो? अरे स्कूल की छुट्टियां 3 महीने की लगी गई है। बिट्टू तनु की गर्मियों की छुट्टी, बिट्टू तनु की गर्मियों की छुट्टियां लगी हुई है। हमारे इधर तो छुट्टियां लग जाती गर्मियों में, आप लोगों के इधर नहीं लगती? मतलब जो ऐसे पूछ रहे थे कि बिट्टू तनु स्कूल क्यों नहीं जा रहे करके, आप लोगों की इधर छुट्टियां नहीं लगती? ऐसा होता है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हम भी जब छोटे थे, जब स्कूल जाते थे तो हमारी भी गर्मियों में छुट्टी लगती थी। लगती है लग रही थी पर कुछ दिनों में बंद हो गई। पता नहीं, फिलहाल तो बारिश देख लीजिए हो रही है। ये पहली बार है ना, मैं डर गया हो गया। ऊपर से वो चद्दर को हटाना पड़ेगा, हमें चद्दर में से ना पानी टपकता है, इसको ना निकलवाना पड़ेगा। मैं वो इसको ना निकलवाना पड़ेगा, इसमें से पानी टपकता है। ऊपर बनाऊंगा नहीं कमरों, ऊपर जब बनाएंगे ना, ऊपर जब बनवाएंगे ना तब हटवाएंगे। गुड मॉर्निंग मम्मी, सबको गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या कर रहे थे अभी? दरवाजा लगाते, दरवाजा लगाने के लिए गए थे और वहाँ ना तपेली रखनी पड़ती, वो छत है ना, क्या बोलते वो पतका डला हुआ, चादर डला हुआ है ना, तो वहाँ से टपकता है वो छेद हो गया वहाँ पे पूरा, वो चादर को हटाना ही पड़ेगा। जब कभी ऊपर बनवाएंगे ना तो वो भी हट जाएगा फिर। हाँ उसको हटवा लेंगे फिर, डायरेक्ट शर्ट डलवा लेंगे उसमें। और कमल शायद आज घर ही है, कल गया था ना काम पर। कभी कभी लग जाता है काम, रेगुलर उसका काम नहीं चलता। अगर रेगुलर अगर उसका काम चलते रहे ना तो थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। मेरे दोस्त और मैं ट्रैक्टर पे बैठ के आए थे। खाना बन गया मम्मी? अभी बना रहे हैं। क्या बनाओगे? बना लिया मैंने दिल की सब्जी। अब कभी बोलती बन रहा है, कभी बोलती बना रहे हैं मम्मी। दिल की बन गई, अब रोटी बनाओ। आते ऐसा बोला ना। ट्रैक्टर लेके आया हुआ है तो कमल लेके आया हुआ है ट्रैक्टर, जो कि बिट्टू बाहर बैठा हुआ है। बैठा हुआ है, ड्राइवर ही बन गया। दीदी बता रहे थे कि बाबू को बहुत शौक है ट्रैक्टर पे बैठने का। देखो मैं बाल भी लेता हूँ। क्या कर लेता है? बाल लेता मैं ट्रैक्टर को। अच्छा, बिट्टू तो ड्राइवर बन गया यार, नाम मत लो, पीछे पीछे चले जाएगा। किसी चीज पे पाँव मत रखना है ना, हाँ ऐसे नॉर्मल बैठे रहो। ये काका आगे तो क्या बोल रहा, ट्राली में बैठे? नहीं ट्राली में मत बैठने जाना, एक तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरी भी हालत देखो कैसे होगी, नहाना भी है मुझे। सुबह सुबह से आईपीएल कहाँ से शुरू हो गया? रात का देख रहा, रात में देखना था ना, रात को बैलेंस नहीं समझता। ए अगर टीवी में देखना था? अच्छा टीवी में मम्मी सीरियल देखा करती है ना, आईपीएल देख ले ले। राजस्थान जीती ना कल, तो मुंबई को हरा दिया। क्या हो गया मम्मी, कब बनाओगे रोटियां फिर? अभी बनाऊंगी। तो आप तो बैठ गए कहना, मम्मी ने बनाई आज गिलकी की सब्जी, ऑयल के लिए शिकायत करो जो पता है मुझे। तो कैसे, अभी लगभग 1 बज गई है और एक प्रॉब्लम हो गई है, और ये मेरे साथ ना हर बार होती है। अभी ना मेरा फ़ोन भी एक तो चार्ज नहीं है, 30% ही चार्ज है, और मेरी एडिटिंग भी बची है, मुझे व्लॉग अपलोड भी करना है, बनाना भी है, रील भी बनानी है, बहुत सारा काम बचा हुआ है। मेरी जो चार्ज केबल है ना वो फिर से टूट गई, हर बार यही होता है। अभी तक मेरी ये 5वीं से 6ठी चार्ज केबल है, टूटते ही जाती है। और आज तो बिट्टू तनु मेरे पास आकर मस्ती कर रहे थे, ये दोनों ही, इन दोनों ने मेरी चार्ज केबल तोड़ दी।
मैं लेटा हुआ था मेरे रूम में और चार्ज लगा हुआ था, वही दोनों के दोनों मेरे ऊपर आके लेट रहे थे, उसमें टूट गई ये देखो किधर गया इसका, ये टूट ही गया अंदर का ही, पिछली बार भी ऐसे ही टूटा था। अब देखो मैं बताता हूँ, ऐसे चार्ज लगा हुआ था, ये ऐसा चार्जर लगा था, अब यहाँ के लटक रहे थे तो ऐसे यहाँ पे लटक रहे थे, मेरे पास आके लेट गए तो ऐसे वजन पड़ा होगा, टूट गया। चलो ये टूट गया तो टूट गया, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेन दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये मिलती नहीं है, डायरेक्ट खरगोन में मिलती है केबल, और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है। अब अभी एक बजे मैं खरगोन जाऊँ और एक केबल के लिए खरगोन जाऊँ और वहाँ से लेके आऊँ, तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ मार्केट में जाकर, पूछ आता हूँ कभी यहाँ मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना कैसे भी करके केबल तो लेनी पड़ेगी, वरना फ़ोन कैसे यूज़ करूँगा, और फ़ोन के बिना मेरा कोई काम भी नहीं होता। तो ये फटाफट मैं मार्केट जाके आता हूँ, मैंने ये बाइक भी निकाल दी है, चल लो काम। सॉरी कर क्या रही है, सिर दुख रहा ना, दिख रहा है, वाह नौटंकी, तेरी शक्ल से मैच नहीं हो रहा बेटा कि आपका सिर दर्द कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले इसको गरम गरम लग रहा था, मम्मी ने इसे रखा था इसको, अरे धूप ही वैसी है और गरम गरम पंखा चल रहा है, अरे यार ये कूलर भी कभी ठीक होता है फिर ख़राब हो जाता है, कभी ठीक होता है कभी ख़राब होता है, तो परेशान करके रख दिया है। पहले ऐसा लग रहा था इसकी मोटर ख़राब है, अब कमल बता रहा है कि मोटर सही हो गई है, फिर ही चल रहा है, ये देखो एक बार इसको, ये अंदर कैसे घुस गया, ये क्या हो गया, ये किसने तोड़ दिया, अरे ये क्या पागल जैसे क्या हरकतें करा करते हो, तुम दोनों ही मस्ती करा करते हो, उल्टी सीधी हरकतें करा करते हो ना, तुम दोनों के दोनों कितने शरीफ हो मुझे पता है। लेंगे ना बेटा वो ब्लॉग में, कि व्यूज ही नहीं आए, 5 लाख व्यूज आ जाते तो अपन ले लेते, पर आए नहीं, आ जाते तो ले लेते, कोई ना पैसे एक जमा करके ला दूंगा है ना, धीरे 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 पैसे बचाऊंगा और ला दूंगा है ना। हाँ तो कूलर का मैं बोल रहा था, लगा के देखो, पिन लगा के देखते हैं भाई, ऑन करना तो जाते रे, ऑन करना जाते, उसको पकड़ के रखना पड़ेगा वरना अंदर घुसी तो ये पंखे से और टूट जाएगा, आवाज आ रही है, कहाँ घूम रहा है, किधर घूम रहा है, हाथ 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 बोला, पेचकस लेके आता, कोशिश कर ली, जब कमल से नहीं हुआ तो मेरे से कहाँ से, बंद कर दे, मतलब नहीं है, निकालो, ये अलग मुसीबत हो गई, बोतल तो पी रही है, पूरी पी रही है, गर्मी में कूलर तो सही होना बहुत जरूरी है, बहुत गर्मी होती है ना, उनमें गरम गरम हवा चलती है, इसमें सो भी नहीं पाते ना सही से, अरे इसको सही करवाएंगे कहीं भी करके, गाइस ये व्लॉग देखना अच्छे से, और कूलर के बारे में बताना इसको कैसे क्या ठीक करें, और जो भी ये इसकी क्या बोलते हैं उसको वारंटी वगैरह जो भी है ना वो तो सब खत्म हो गई, 1 साल की शायद थी, सब कुछ भी नहीं है अभी इसकी, पूरा खटारा बंद हो गया, खटारा हो गया, क्या किया जाए, कैसे क्या इसको ठीक करें, कोई आइडिया देना, हमको प्यार देना और हमको सपोर्ट करना, हमारे वीडियो को पूरा देखना और लाइक जरूर भूलना मत करना, भूलना मत, अभी क्या करना मत भूलना, लाइक, कितने लाइक चाहिए, इसमें से मुझे 5 लाख चाहिए, 5 लाख लाइक नहीं देते रे बेटा, उसके लिए अच्छा सच्चा कंटेंट डालना पड़ेगा तब आएंगे, टाइम लगेगा, उसकी दुकान खोल लेती है गेट पर, कुरकुरे बेचेंगे, हाँ कुरकुरे बेचेंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और फिर भेजना, हाँ अरे बात में को देखा, अरे बिट्टू का बिजनेस आइडिया देखा, तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा तो लाइक करना, फॉलो करना,
और बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय।